स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। सो वेक्टर जो है वो हमारा खत्म होने जा रहा है। उम्मीद है सबको आवाज आ रही होगी, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, और मैं यहाँ पर आपका क्लास ओपन कर लेता हूं। और MEC नहीं पढ़ना हमें, MEC जब तक बाकी बच्चे जुड़ जाएं, थोड़ा सा इंतजार करना है कुछ। यश रघुवंशी, ऋषभ राठौर सब आ चुके हैं, वेरी नाइस। अविरल, आदित्य, हृतिक, कार्तिक, कैफ, प्रियांशी, पुष्कल, ऋषभ, स्नेहा, सूर्यान, शेद, असद, तन्मय, यश, युवराज, जोया, फिर भी कुछ बच्चे कम हैं। ठीक है, जब तक बाकी लोग यहाँ पर ऐड होते हैं, हम लोग थोड़ा सा बेसिक पुरान रिवाइज कर लेते हैं। कल तक हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, और डॉट प्रोडक्ट में हमने ये देखा था कि सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को या वेक्टर के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत पड़ती फिजिक्स में, फ्यूचर में 100% श्योर पड़ती है, तो उस चीज को, या फिर मैथ में भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती, तो उस चीज को कवर। निकाल एक्सक्यूज मी, अरे सिल्वर की चाबी है तो सही। अविरल माइक्रोफोन ऑफ कर हाँ दे, सर, यू शुड, हाँ माइक्रोफोन बंद रख के बात करो, हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारा बात करना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, सो डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे थे। सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, इसका जो आंसर होता है एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब आ सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नेगेटिव, और एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव, और 90 डिग्री के लिए, ऑर्थोगोनल के लिए जीरो आता है। इसी से सवाल आता है, जैसे मैंने बोला ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। इसके एग्जांपल मैंने बताया, फ्यूचर में एफ डॉट डी एस करोगे तो वर्क डन मिलेगा, एफ डॉट वी करोगे तो पावर मिलेगी, और जे डॉट ए करोगे तो, जे डॉट डी ए करोगे तो छोटा करंट मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में इसका यूज होता है। इस तरह मैंने आपको सामने एक वेक्टर बना के दे दिया, डॉट प्रोडक्ट पूछा ताकि आप एंगल एंगल खेल सको, और बहुत आसानी से आपने इसको कवर कर लिया था। डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर के बीच के डॉट प्रोडक्ट देखे, ताकि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के डॉट प्रोडक्ट समझ पाए। तो यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट देखे तो वही वाली बात आ गई कि सेम डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो केवल आई को आई से मल्टीप्लाई करने पर ही वन आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, वन आंसर आता, वन आई केप नहीं आता, जे जे वन आएगा, के वन आएगा, कोई डायरेक्शन नहीं आती। जे आई करोगे, जे के करोगे, आई जे करोगे तो जीरो आएगा, और इनका उल्टा, आई जे, के आई, के जे कुछ भी करोगे तो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री पे हैं। और माइनस होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि माइनस का मतलब 180 डिग्री है, तो माइनस आंसर आ जाता है, या फिर आप इस माइनस को अलग से बाहर से लगा भी सकते हो। ठीक है, ये भी एक चीज है। फिर अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट आए, तो हमने देखा कि केवल जो आई केप के जो कोएफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एड हो जाएंगे, हमारा काम हो गया। एंगल बिटवीन वेक्टर हमारा डॉट प्रोडक्ट में होता है, ये बात हमने देखी, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन ए बी आ जाएगा। इसी तरह कंपोनेंट जो करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट में होगा, ए कॉस थीटा या फिर बी कॉस थीटा, में एक्सप्रेशन से यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा, एक आध कंपोनेंट प्रोजेक्शन की बात की, तो प्रोजेक्शन में दूसरे वाले वेक्टर को का जो हिस्सा है का डायरेक्शन भी हमने देखा। तो जब हम कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, वेक्टर कंपोनेंट बोलने की बजाय वो बोलता है कंपोनेंट वेक्टर अलोंग बी, मतलब आंसर वेक्टर फॉर्म में हो, है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, तो जिसके अलोंग होता है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ नोटिस नहीं किया हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको बता दूं कलर कौन सा है, ब्लैक ही है। ये ध्यान रखिए, आपको बोला गया है कि ए का कंपोनेंट करो बी के अलोंग, तो आप ए की जो पैरेलल, ए पैरेलल उसका नाम रखोगे, उस वेक्टर का आंसर जो है कंपोनेंट
कंपोनेंट वेक्टर या फिर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। और अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर दिखाई दे रहा है ऐसे, तो वेक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, पैरेलल, उसका नाम हम जनरली पैरेलल वेक्टर रखते हैं क्योंकि वो बी के पैरेलल है। तो ए पैरेलल मेरा आ जाता है, ए पैरेलल की जो डायरेक्शन है वो बी के पैरेलल होने की बजाय बी की डायरेक्शन ही ए पैरेलल की डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड हम कभी काफी दिनों से निकालते आए, ए कोस थीटा बोलो उसको, और ए कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट से भी मिल जाएगा, और बी की डायरेक्शन में ऐसे ऊपर से छाप लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और इस तरह से मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या किसी भी बच्चे को इस बात में कोई भी छोटे सी भी डाउट है क्या कि सर ऐसे कैसे? डू एनीबडी हैव एनी डाउट इन दिस? नहीं है सर कोई डाउट। ठीक है, तो अगर ये कवर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। ठीक है, बच्चे भी जुड़ चुके हैं तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ आगे बताता हूँ। एक और चीज जो खास चीज है, इसी मेथड के में हम लोग ए वेक्टर का जो है बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कंपोनेंट कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। जैसे इधर की तरफ ये मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, अब ये वाली डायरेक्शन आपको, इसको दूसरे वाले को क्या बोलूंगा, ए परपेंडिकुलर वेक्टर। मैं ऐसा करता हूं, इसे मिटा ही देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, ए परपेंडिकुलर वेक्टर। पैरेलल वाला हमने अभी भी निकाला, परपेंडिकुलर वाले की हम सोच रहे हैं। अगर आम बच्चे को ये बोल दिया जाए डायरेक्ट सोचने के लिए, तो वो जनरली क्या करता है, जैसे मास्टर ने पढ़ाया वैसे सोचता है, हाँ सर मैग्नीट्यूड तो अपने को पता ही है ए साइन थीटा, और डायरेक्शन की बात रही तो मैं बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल लूंगा। पर बी के परपेंडिकुलर 1500 वेक्टर हो सकते हैं यार, किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स हो सकते हैं। ये जैसे मेरा वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर मेरा ये वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, ये सबको इसके परपेंडिकुलर है, समझे? तो ये सारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये इतने सारे वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो फिर मैं कौन सा परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं यहाँ पर जो है, थोड़ा सा ये आपस में एक छोटा सा ग्लिच आ रहा है, मैं इसको शेयरिंग को बंद करके फिर से शेयर करता हूं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर। तो विच परपेंडिकुलर आर यू टॉकिंग अबाउट? तो वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू अ पर्टिकुलर परपेंडिकुलर वेक्टर एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक तरीका लगाएंगे, बहुत आसान तरीका, आपको बहुत पसंद आएगा। पर ये जो आपका पैरेलल निकालने वाला तरीका है विल नॉट बी यूज्ड। प्लीज अपने दिमाग में बिठाइए एक छोटी सी बात, इस बात को देखिए कि ए जो ओरिजिनल वेक्टर था उसके हिस्से हुए ए परपेंडिकुलर और ए पैरेलल, दोनों वेक्टर जो हैं मिलके वापस ए वेक्टर बनाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, ए परपेंडिकुलर वेक्टर, या फिर ए वेक्टर के दो हिस्से हुए, ए परपेंडिकुलर और ए पैरेलल, और दोनों को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए पैरेलल आपने अभी भी निकाला, ए परपेंडिकुलर निकल जाएगा माइनस करके, समझे? और अगर आपको ये चीज विश्वास नहीं हो रही तो मैं आपको ट्राइंगल लो, मतलब विश्वास तो हो ही रही है आपको, मैं ट्राइंगल लो से आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। ये देखिए, ये तो था मेरा ए पैरेलल वाला हिस्सा, और ये वाला मेरा आएगा ए परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, ये परपेंडिकुलर का निशान है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर बराबर ए वेक्टर ही होगा, ऑब्वियसली, जब भी तो कंपोनेंट बोलते हैं। और अच्छी बात क्या है, वो आपस में 90 डिग्री पे भी है। तो अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो वो वैसे भी कर सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए पैरेलल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में ऐसा लगा देंगे और वेक्टर फॉर्म में ऐसा लगा देंगे। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे पता है, ये इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि आपको पता भी है कि ये ए कॉस थीटा होता है, ए साइन थीटा होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हो जाएगा, यस और नॉट? तो दैट इज नॉट अ बिग डील। आपको मैग्नीट्यूड के बारे में तो पता ही था, आज वापस मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्शन के बारे में बता के ये बता दिया कि अगर आपको ए परपेंडिकुलर चाहिए, दूसरा वेक्टर भी चाहिए, वो भी कौन से वेक्टोरियल फॉर्म में, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड तो बहुत आसानी से आएगा सर, ए पता है, ए कॉस थीटा पता है, ए साइन थीटा में क्या बचा, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, हाइट चाहिए, तो ये तो कोई भी निकाल लेगा। बट डायरेक्शन की जब कंसर्न आती है तो आप जो है ए परपेंडिकुलर इस तरह से निकालें, समझे? ये मेरा एम था, इसको मैं ढूंढ रहा था, समझे आप मेरी बात को? यस सर, एकदम छोटी सी क्लियर सी चीज है बच्चों, दिमाग में रख लोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे, और अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा समय ना लगे आप यहाँ पर, ये मैं ऐसे ब्रैकेट में नहीं बनाना चाहिए, कोई ऐसी भारी भयंकर चीज नहीं है, ये केवल मैंने ऐसे डॉटेड ब्रैकेट बनाया, इसका डब्बा बनाया, इसका मतलब क्या है, दिमाग में रखने का है, याद करने का नहीं, रटने का नहीं, इससे दुनिया चेंज नहीं होगी, पता हो तो आंसर आ जाएगा।
समझे क्या बात है, ये कोई फॉर्मूला नहीं। लिख लीजिए इसको, छोटी सी चीज है। ओके, एरिक ने अपना पूरा नाम एरिक्सन लिखता है क्या? नो सर, अभी वो तो मतलब ओके, सैटरडे संडे को ये लिख लेते हो? नहीं, ऐसे ही। हाँ, समझ गया मैं। ओके, युवराज, यश, तन्मय, शेयद, असद, सूर्यांश, स्नेहा, ऋषभ, मिश्रा, प्रियांशी, केफ, केशव, कार्तिक शर्मा, गरिमा, अरक्षण, दिव्यांशी, अविरल, आशुतोष, आदित्य, हेमंत श्रीवास्तव, आशुतोष शर्मा। ठीक है, यहां पर वेक्टर है वो दिख नहीं रहा होगा तो मैं ढंग से लिख देता हूं। ए पॉपुलर वेक्टर, ये आपस में मिक्स हो गया था तो अलग से मैंने आपको दिखाया कि ये वेक्टर निकालने का तरीका है बहुत आसानी से। एक एग्जांपल लूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेट्स से फाइंड आउट प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर, लेट्स से ये हैं 5i cap, 10j cap along b vector which is 3i cap minus 3i cap 4j cap। ठीक है, एकदम सिंपल सा मैं पूछ रहा हूं। a वेक्टर का b वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना, मतलब जो आंसर है वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। मैग्नीट्यूड तो आपको बहुत आसानी से आता है, अब डायरेक्शन भी एक साथ लिख के बतानी है। ऊपर अभी अभी कल ही हमने ये चीज करी थी, ये इस तरह के सवालों का लास्ट सवाल है, जल्दी से करके बता दीजिए। आपके पास अच्छा खासा मौका है, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं पूरे। अगर कुछ आंसर आए तो प्लीज ऑडियो बोलना ताकि मैं देखूं।
हाँ जी आंसर आ गया। चलिए रेडी, मैसेजेस अगर किए हो तो देखता हूँ मैं। नहीं कोई मैसेज नहीं आया। चलिए हमें पता है जो प्रोजेक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे आंसर में है। ए डॉट बी करूंगा, ए डॉट बी करूंगा, ए बी कोस थीटा है, मुझे क्या चाहिए, ए कोस थीटा। तो मैं इसे बी ए कोस थीटा लिख देता हूँ ताकि क्या एक ए कोस थीटा एक साथ दिखे आपको अच्छा लगेगा। ये लीजिए ए कोस थीटा मेरा आंसर का मैग्नीट्यूड है, वो अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा ए कोस थीटा यहाँ पर आ जाता है ए डॉट बी। बच्चों कनेक्टेड हो, सबको आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो ना सर? नहीं नो सर। ठीक है तो ए कोस थीटा मेरा आंसर है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी से मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो मैं ए डॉट एक बार के लिए पूरा लिख देता हूँ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ए डॉट बी 5 3 जा माइनस 15, 10 4 जा 40, तो माइनस 15 प्लस 40 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी जानबूझ के 3 और 4 लिए हैं ताकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट क्या जाएगा 5 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 40 माइनस 15 इज 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, है ना। जो भी यूनिट थी इसकी वो यूनिट रह जाएगी। लेट से ए का यूनिट अगर न्यूटन होता तो आंसर का यूनिट भी न्यूटन आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जो भी इसका यूनिट था वो यूनिट यहाँ लिख देंगे, अभी अपना वो कंसर्न नहीं है। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, जो ए ये कौन है, ए कोस थीटा मैंने निकाला, ये इधर बी था, ये इधर थीटा था, ये मैंने ए कोस थीटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। बट अगर मैं इसे बी की डायरेक्शन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कर दू तो आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा बी दूसरा वेक्टर जो कंपोनेंट वाला जो हिस्सा है वो बी के अलोंग है और वही वाला मुझे पूछा है। तो जो बी के अलोंग है तो बी की डायरेक्शन कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो बी की डायरेक्शन मतलब बी का यूनिट वेक्टर से मैं इसे डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये मुझे ए पैरेलल वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो मुझे पूरा ए पैरेलल जो यहां पर मिलने वाला है, ए पैरेलल वेक्टर जो मिलने वाला है वो ये मैग्नीट्यूड है 5, और यहां से मैं डायरेक्शन बी की डायरेक्शन छाप लेता हूं। तो नीचे मैं बी की डायरेक्शन का बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर कहां था, -3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। आपको सबको याद है इसका मैग्नीट्यूड 5 होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला लिखा है तो वो उतने काम का नहीं है, बस यही बता रहा हूं मैं। तो किस्मत से जो डेटा है आपका ऐसा है कि -3i कैप और -4j कैप ही आपका आंसर आ गया। इसे रट ना लें कि जो क्वेश्चन होता है वही आंसर आ जाता है। ये तो अभी किस्मत से डेटा 25 आ गया डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझे? यस सर। समझ गए तो बहुत बढ़िया। अगर इसमें ए परपेंडिकुलर पूछा होता तो ए में से ए पैरेलल माइनस कर देते, तो 5 में से -3 माइनस होता तो 8i कैप आंसर आता, और 10 में से 4 माइनस होता तो 6j कैप आता। समझे? ये नहीं पूछा है बट आप ये गेस कर सकते हो आसानी से, अगर आपको पूछा होता तो आप ऐसा कर पाते। ए परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ए में से ए पैरेलल माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आता। अगर आपको ए पैरेलल पता हो तो ए परपेंडिकुलर ऐसे निकल आएगा। बट इस बात को दिमाग में रखोगे तब, अदरवाइज तो तुम ए साइन थीटा और कुछ अजीबो गरीब करने की कोशिश करोगे, सब गंदा हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं करना है। ओके इस बात को क्लियर करने के लिए कि हाँ जो डेटा है आंसर ही क्वेश्चन नहीं बनता, आई एम जस्ट पुटिंग अनदर डेटा ओवर हियर एंड टू फाइंड आउट टू मेक यू रियलाइज दैट यू हैव अ गुड स्पीड। तो लेट्स ऐसा करते हैं, ये 10 की जगह 20 कर देते हैं। आपने कॉपी कर लिया क्वेश्चन आंसर पूरा, सबका सब कुछ है, अप टू डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? 5 तो मैग्नीट्यूड है बच्चे, 5 मैग्नीट्यूड है, हमें कंपोनेंट वेक्टर चाहिए। मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती तब जाके पूरा वेक्टर बनता है। एक ऐसा मैं वापस इसको एडिट करके वापस 1 ही लिख देता हूं। अभी ये वही सवाल है, अगर आप चाहें तो पहले कॉपी कर लें फिर मैं आपसे एक छोटी सी बात बता, मतलब ये तो किस्मत ऐसी थी कि मतलब आंसर ही मेरा बी जो वेक्टर जो है वही मेरा आंसर आ चुका है। तो इस वजह से मैं जानबूझ के इसको अपडेट करूंगा, क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा चेंज करूंगा। बस आप वेरीफाई कर दीजिए कि आप यहां तक लिख चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है।
हाँ बच्चे सर, मतलब अपने अपन ने बी जो इंटू करा सर, वो डायरेक्शंस के लिए था उसमें। बी इंटू नहीं किया, बी केप इंटू किया पूरा पुलो। हाँ सर, बी केप। बी केप, केप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या होता है वो? डायरेक्शन ही तो होती है। यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर के चार पॉइंट थे। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। यूनिट वेक्टर हैव अ यूनिटी मैग्नीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केप साइन एंड इट इज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होता है, समझे? पढ़े भी थे अपन ने। कभी किसी वेक्टर का अगर मैं बात करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन ही उसका ओरिजिनल वेक्टर बनता है। तो ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होती है, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। इतने दिनों से यही चल रहा है और आज अंतिम क्षण बचा हुआ है तब तुम मेरे से ये ब्लास्फेमस क्वेश्चन कर रहे हो। ब्लास्फेमी मतलब भगवान के खिलाफ जाना। तो ये एक्चुअली खत्म हो रही रामायण यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल आपको दूसरा मैं सेट कर यहां पर दे देता हूं कि यहां 20 होता तो क्या होता, बस चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा आंसर जो है वेरिएबल होता है। तो भैया 20 होता तो यहां डॉट प्रोडक्ट में 5 3 जा -15 4 20 जा 80 आता। तो 80 -15 कितना बनता भाई? 80 -15 बन जाता भाई 65। सही है? हाँ सर, 65 हो जाता। तो यहाँ 5 की जगह 65 लिख देते, अपने को क्या दिक्कत है? ये 5 13 जा 65 रह जाता तो आंसर 13 टाइम हो जाता। तो आंसर 3i के -3i के 4j के अपना आके 13 3 जा 39 और 52 -39i के +52 j के पाता। मतलब आंसर इज वेरिएबल, ठीक है, कुछ फिक्स आंसर नहीं है। इज दैट फाइन? यस सर। चलिए तो यहां पर अपन मानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला जो चीज है, हल्का सा हमें इसकी जरूरत पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट की। डायरेक्शन की जनरली जरूरत पड़ती है, बट हम लोग यहां पर पूरा पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप एवरीथिंग इज कनेक्ट, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड एंड लर्निंग वेल। मैं यहां पर स्वागत करता हूं। अगले सीन में ये 39 माइनस नहीं लिखा है मंथ 52 बाई 5, ये क्या कर रहे हो? 5 क्यों रह गया? 65 से 5, चलिए छोड़िए, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। 5 तो कटा है ना कि नहीं कटा? 65 से नहीं, 5 ऊपर वाले। ओके, लेट मी चेक। ओके हाँ, ये 5 भी था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 13। तो ये यहाँ पर सही बात बोली, ये 13 है तो ये ठीक है। तो 13 by 5 मतलब सही आंसर है -39/5 i-k + 52/5 j-k, ये आंसर आएगा आपका। बट ठीक है, ये तो बस आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि हाँ भाई आपका आंसर जो है निकल जाएगा भले ही कुछ भी गिवन, और दूसरा वाला वेक्टर भी निकल जाएगा। बहुत छोटा सा यहाँ पर एक बात है ना, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा मैं, फंडा बोलूंगा उसको। तो वेलकम, आपका स्वागत है क्रॉस प्रोडक्ट में। ऑब्वियसली हर कोई गेस कर सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर पैरेलल वालों को एंटी पैरेलल वालों को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख चुके हैं। तो अगला जो हमारा चीज है क्रॉस प्रोडक्ट आता है, हमारी रिक्वायरमेंट है, इस वजह से ये प्रोडक्ट मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व किया गया, इसकी जो थ्योरी बनाई गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आप इसे गेस कर सकते हो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज द आउटपुट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी एज अ रिजल्ट। ठीक है, एक और बात है, it is used to product the perpendicular parts, या component ही बोल देते हैं, थोड़ा scientific हो जाएगा, components of two vectors।
इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस साइन, ऑब्वियसली क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए क्रॉस कहते हैं, नो बिग डील. आउटपुट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन ही तो होगी, एक ही तो खास चीज है, तो अलग से वे चौथा पॉइंट नहीं लग रहा, आउटपुट है वे डायरेक्शन. सो द नेक्स्ट थिंग इज, इसमें जो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फोटो बनाऊंगा जैसा मैंने पिछली बार बनाया था, इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, ये थीटा लिखूंगा, ये मेरा ए वेक्टर होगा, ये मेरा बी वेक्टर होगा. ठीक है, अब देखिए ए के मैं कंपोनेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए कोस थीटा बी के पैरेलल हो गया, और ए साइन थीटा बी के, ए साइन थीटा जो है बी के परपेंडिकुलर हो गया. मैं बता रहा हूं कि इसका इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इसमें होता है जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, परपेंडिकुलर वाले हिस्सों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये बनाया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो परपेंडिकुलर वाले हिस्से हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ए साइन थीटा इंटू बी इंटू ए साइन थीटा मैं यहां पर लिख देता हूं. As well as the answer will have some direction because the result is a vector. तो magnitude तो b into a sin theta. Magnitude तो ba है, ba sin theta है. Magnitude तो क्या है, ba sin theta. But इसमें एक direction भी होती है, उसकी calculation हमें अभी देखनी बाकी है. एक doubt आ जाना, सर हम तो b का component करेंगे. लीजिए आप b का component कीजिए. ये लीजिए मेरा ये बी था, ये थीटा था, तो इधर की तरफ हो जाएगा बी कोस थीटा, जिसे मैं ए से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मुझे परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखना है, बी साइन थीटा. तो बी साइन थीटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए जानबूझ के किसी कारणवश मैं इसे बी क्रॉस ए लिख रहा हूं, मैग्निट्यूड तो सेम आएगा, ए इंटू बी साइन थीटा. A into B sin theta लिखो कि B into A sin theta, AB sin theta आपका आंसर. पिछली बार AB cos theta आंसर था. Okay, but इसमें भी कुछ डायरेक्शन होगी n cap जो हमें अभी पता नहीं है. Okay, अभी मैं बताऊंगा कि वो डायरेक्शन क्या होती, कैसे फॉलो होती. Okay, एक और चीज मैं वेक्टर फॉर्म में भी इसे बता सकते, मतलब दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं ऐसा ऐसा. जैसे ये है AX, ये है मान लीजिए AY, सॉरी उल्टा लिख दिया, हालांकि उल्टा लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ax ay को एक्सचेंज कर सकते, ay ax. और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये रेड कलर में है, ये है मेरा by और ये मेरा है bx, दोनों के दो दो कंपोनेंट होंगे. तो ध्यान रखिएगा ax मल्टीप्लाई होगा by से और ay मल्टीप्लाई होगा bx से. फ्यूचर में सीखेंगे ऑब्वियसली, आपको जैसा मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था वैसे मैं आपको बताऊंगा, और दोनों को ऐड करेंगे विद डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर लेंगे विद डायरेक्शन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. मतलब अगर किसी एक का कंपोनेंट हो रहा है तो गुड, किसी दूसरे का कंपोनेंट होके आप कर पा रहे हो तो और गुड, अगर आप दोनों का कंपोनेंट कर पा के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जैसे भी रख पा रहे हो तब भी गुड, कोई दिक्कत नहीं. ये चीज अभी थोड़ी देर नियर फ्यूचर में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए. अभी आप यूं समझिए आंसर इसका अभी पढ़ाऊंगा, कब, अभी. तो मैं इसको स्क्रीन से बाहर भी कर दूं तो आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ मैग्नीट्यूड, आप बच्चे लोग कनेक्टेड हैं, कोई हाना बोल नहीं रहा यार. यस सर, कनेक्टेड हूं. किसी को कोई दिक्कत कुछ बात हो तो आप अपनी बात रख बता पूछ भी सकते हैं. आंसर बी ए साइन थीटा, ए बी साइन थीटा ही है, नो बिग डील. पिछली बार ए बी कॉस थीटा था, इस बार ए बी साइन थीटा है, और थीटा कोई एरी गेरी चीज नहीं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है. ओके, एरा गेरा नहीं है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है. तो एक दिन था जब मैंने आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोला था, और बोला था कि ये कोई एरी गेरी चीज नहीं, ये कुछ काम है, इस वजह से वेल डिफाइंड हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ काम है इस वजह से इसे डिफाइन कर रहे हैं, और इसी को डिफाइंड को फ्यूचर में यूज करेंगे, इस वजह से आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है. तो अभी आप, उस समय मैंने आपको बोला था कि आप इसको एक बार के लिए एग्री करें, अब आपको ये महसूस होने लग गया होगा कि हाँ सर सही बात तो सही लग रही सर.
चलिए रेडी yes, ये अगर कॉपी कर लिया हो तो ये साइड वाला तीसरा वाला कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है अभी, बाद में जब डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा विद हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स मैथमेटिकल फॉर्म में तो यही चीज कवर होगी, निश्चिंत रहिए। ये साइड में लिखा है वो बस आपको इंट्रो था कि हाँ भाई दोनों के कंपोनेंट हो तब भी कोई बुरी बात नहीं, हमारे कंट्रोल में है सब कुछ। क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने बोला? द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल एक चीज है जिससे हम लोग इस आंसर को कि डायरेक्शन, ये जो अननोन चीज है, ये डायरेक्शन अभी अननोन है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से दिखाना था तो मैंने एन वेक्टर यहां पर ऐसा कर देता हूं, एन वन लिख देता हूं, यहां मैं एन वन एन टू लिख देता हूं, मुझे पता नहीं दोनों सेम है कि नहीं, हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है अलग अलग आ जाए, तो मैंने एन वन एन टू लिख दिया कि सेम आएगा तो एन वन इक्वल्स टू एन टू लिख दूंगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। राइट हैंड थंब रूल होता क्या है मैं आपको बताता हूं। तो राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है, राइट हैंड थंब रूल होता है भाई आप अपना जब कभी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो आप अपना राइट हैंड ले, जिस वेक्टर को आगे लिखा है ए क्रॉस बी में ए आगे है, जो वेक्टर पहले लिखा है उस पर अपना राइट हैंड रखें और नेचुरली अपनी फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करें। अगर नेचुरली आपकी फिंगर्स घूम रही हैं तो आप बहुत बढ़िया, अगर नेचुरली फिंगर्स घूम रही तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है वो हमें रिजल्ट की डायरेक्शन बताती है। मान लीजिए अगर मान लीजिए नेचुरली नहीं घूम रही तो अपने हाथ को आप ऐसे घुमा सकते हो, इट इज फाइन, तो आप हाथ को ऐसे पलट सकते हो, फिर घुमा सकते हो हाथ को, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, यू यू यू, राइट हैंड होना चाहिए, यू कैन नॉट चेंज द हैंड, राइट हैंड ही और उसी की उंगलियों को घुमाना, पता चला इस हैंड को यूं कर रहे हैं इस हैंड को घुमाना, राइट हैंड का आपको पहले वेक्टर पे हाथ रखना है, दूसरे वेक्टर की तरफ नेचुरली घुमाना है, उंगलियां तोड़नी नहीं है, ठीक है ना, पांच नंबर के चक्कर में पांच उंगलियां तोड़वा ली ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए से बी की तरफ नेचुरली घुमाइए, जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी आपकी होगी, आप हाथ को पलट भी सकते हैं, इट इज फाइन, ठीक है, बट नेचुरली आपको अपनी उंगलियां घुमानी। तो ये रूल क्या है, पुट योर राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर नाउ विच इज, ये राइट हैंड थंब रूल अपन देख रहे हैं, इसी को अंडरलाइन करके या फिर हेडिंग डाले, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, आप हेडिंग डाल लेना, मैं तो भूल गया। Put your right hand along the first vector. Now curl your fingers naturally towards the second vector. The direction of your thumb, कौन सा, राइट हैंड वाला थंब, ठीक है ना, shows the direction of the cross product. थंब की डायरेक्शन आपके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाएगा। ए क्रॉस बी, ए पहले है तो ए पे रखे, बी की तरफ घुमाएं, बी क्रॉस है तो बी पे रखे, ए की तरफ घुमाएं, इज दैट फाइन? तो अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो, पढ़ने में नहीं आ रहा हो, तो मैं रिपीट कर दूं, पुट योर राइट हैंड
along the first vector. Now curl your fingers naturally towards the second vector and the direction vector. That agar aisa kar dete hain, the direction of your thumb shows the direction of your cross product. Okay, cross product ka direction aapka anguthe ki taraf aayega. Aur ek aur baat, hamesha jaise ye mera A hai, ये मेरा B, तो A से B की तरफ घूमेगा, अंगूठे की डायरेक्शन में आंसर आएगा. A से B की तरफ घूमेगा, अंगूठे की तरफ आंसर आएगा. A ये B, तो A से B. तो ध्यान दीजिए, हमेशा ये A है, ये B है और ये मेरा A क्रॉस B है. तो A क्रॉस B हमेशा A B के परपेंडिकुलर आपके आएगा. A B जिस प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका आंसर आएगा. समझे? तो A क्रॉस B जो है हमेशा A और B दोनों के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आंसर आता है. समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए बी मेरा ऐसा होता, तो ए से बी ऐसे घुमाते उंगलियां तो अंगूठा ऊपर, या फिर बी से ए से घुमाते तो अंगूठा नीचे. ठीक है, अभी आंसर आएगा, आपको थोड़ा सा महसूस भी होगा, मैं पॉइंट भी लिखवा दूंगा. उम्मीद है आपने ये थ्योरिकल पार्ट लिख लिया होगा. मैं वापस ऊपर जाता हूं, यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. तो चूंकि हमने राइट हैंड थंब रूल लिख लिया, तो मैं यहां पर ए क्रॉस बी दिखा सकता हूं. रूल क्या है? हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो हाथ किस पे रखेंगे बच्चों? ए पर, और बी की तरफ घुमा देंगे. मेरा ये राइट हैंड है, मैं चेक कर लेता हूं, राइट है, और ए पे मैंने रखा, मेरा वेक्टर ऐसा है और बी की तरफ मैंने घुमाया, तो आंसर किधर आया? इनसाइड द प्लेन. ठीक है, इन द प्लेन. तो ये तीर अंदर जा रहा है, तो मुझे उसका तीर का बैक पार्ट दिखाई देगा. तो इनसाइड के लिए देखो, यहां पर मैं उसका आंसर लिख रहा हूं, एन वन जो है मेरे को ऐसा दिखाई देगा. तीर ऐसे, जैसे मान लीजिए पेन आपकी तरफ आ रहा है, तो मुझे कैसा, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मुझे ऐसा दिखाई देगा कि उसका बेस दिखाई देगा, जिसको जिस पे अपन रख के उसे लॉन्च करते हैं. आई बात समझ में? yes, इसी तरह बी क्रॉस ए करते हैं, राइट हैंड लिया, इस वाले का डायरेक्शन देखते हैं, बी पे हाथ रखा, बी पे हाथ रखा, ए तो ऊपर है, घूम नहीं रहा, तोड़नी नहीं उंगलियां, नहीं घूम रहा सर, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ को पलट लो. अब बी पे रखा, ए की तरफ घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा? बी पे रखा, ए की तरफ घूम रहा है. आपको वीडियो में सही दिखाई दे रहा? मुझे तो सही दिख रहा है. बी पे रखा, ए की तरफ घुमाया, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाएगा ये अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है. तो अंगूठा जब मेरी तरफ आते दिखाई देगा, तो मुझे इसका क्या दिखाएगा? टिप, इसका टिप, जैसे कि आपको इसका टिप दिखाई दे रहा है. समझे क्या? शायद नहीं भी दिख रहा हो क्योंकि ये पूरा ही काला है, तो टिप दिखाई देगा. तो जब वेक्टर आउट आता है ना, तो N2 जो यहां पर हमारा इस वाले में आंसर आया है वो है आउट. तो आउट को ऐसा दिखाया जाता है, इन को ऐसा. तो ये है इन और ये है आउट. इसको कैपिटल में लिख देता हूं, आई एन इन. ये जो N1 हमने नीचे पढ़ के आया, फिर बताया, ये इन है और N2 जो है आउट है. तो यहां से एक बात तो क्लियर है, तो A क्रॉस B का जो आंसर है दोनों का सेम नहीं है. A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं है. क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं, एक की डायरेक्शन इन है, दूसरे की डायरेक्शन आउट है. किसी कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं है सर. सबको समझ में आ गया? अभी आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी.